दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अगले 3 से 4 मिनट तक मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। जिन लोगों ने एक्सेल अभी अभी सीखना शुरू किया है उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा। दोस्तों आपके सामने एक शीट है, एक्सेल शीट है, जिसमें डेटाबेस है उन पैसेंजर्स का जो अलग अलग फ्लाइट से गए हैं और वो किस किस कंट्री से रिलेटेड हैं, वो आपके सामने है। जैसे बैंकॉक, लंदन या अलग अलग कंट्री जो भी हैं इसमें लिखे हुए हैं सारे। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं इस जगह पर कोई दूसरा कंट्री, किसी और कंट्री का नाम लिख देता हूँ, अगर पाकिस्तान लिख दिया सपोज दैट, और फिर मैं इसको इसमें मिक्सअप कर दूँ, अगर फिर मैं आपसे अचानक पूछूँ कि पाकिस्तान कहाँ है, इस कॉलम के अंदर पाकिस्तान कहाँ है, तो आप काफ़ी देर तक इस तरह ऊपर नीचे करोगे और आपको पाकिस्तान ही मिलेगा। फिर धीरे 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 आओगे कि बात समझ आएगा ये रहा पाकिस्तान। क्यों नज़र नहीं आया पाकिस्तान हमें अचानक? क्योंकि वो सभी सेल्स एक जैसे लिखे हुए हैं और उसमें ढूंढना मुश्किल है। तो दोस्तों क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि हर कंट्री के हिसाब से उसका कलर सेट कर दिया जाए, किसी का ग्रीन, किसी का रेड, किसी का येलो, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू, ताकि अगर कोई पूछे पाकिस्तान कहाँ है तो तुरंत पता चल जाएगा जी येलो कलर में ही रहा, या बैंकॉक कहाँ ब्लैक कलर में ही रहा। लेकिन अगर मैं कलर भी सेट कर देता हूँ उसका, उसके बाद अगर इस सेल की जगह पे अगर दूसरा सेल हमने लिख दिया, सपोज है इसका अगर मैंने कलर येलो सेट कर दिया है, उसके बाद अगर मुझे यहाँ कोई और देश लिखना पड़ गया, सपोज दैट अगर मैंने यहाँ नेपाल लिख दिया, तो हमारा तो जो येलो कलर था पाकिस्तान लिखा हुआ था, येलो कलर नेपाल पे हो गया, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सेम कलर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी काम आता है। हमारे कंडीशनल फॉर्मेट में क्या होता है, अब जैसे बैंकॉक है, अगर बैंकॉक की जगह पे एक पैसेंजर हमारा इंडिया का रहता है, यहाँ पे इंडिया, ये देखिए मैंने कोई कलर चूज नहीं किया, मैंने इंडिया डाला उसमें और ऑटोमेटिकली कलर ग्रीन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं लंदन की जगह पे सपोज चाइना डाल देता हूँ, वाह ये तो कलर चेंज हो गया, येलो हो गया। अगर मैं इस इंडिया की जगह कोई और कंट्री का नाम डाल देता हूँ, जैसे अमेरिका डाल देता हूँ, तो ये देखिए रेड हो गया ऑटोमेटिकली, मैंने कलर चेंज नहीं किया, पहले ही ग्रीन था और उसी सेल के अंदर नाम चेंज करते कलर भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। कैसे हुआ बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए क्या होता है, अब अगर मान लीजिए हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जिसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी है वो कलर कॉलम चेंज चूज़ कर लेते हैं, ये चूज़ कर लिया। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये दिख रहा है आपको, यहाँ जाना है मैनेज रूल, क्लिक किया, ये देखिए यहाँ मैंने इसमें रूल्स लगाए हुए हैं, रेड बैकग्राउंड, वाइट फॉन्ट, येलो बैकग्राउंड, ब्लैक फॉन्ट, ग्रीन बैकग्राउंड, ब्लैक फॉन्ट, नीला बैकग्राउंड, ब्लैक फॉन्ट, इसी तरह से ये भैया, और उसके आगे भी हो सकता है, अगर हम और चाहें तो न्यू रूल भी ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या है देखिए, इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं, हमने क्या किया था। अगर हम जैसे आपको मैं नया रूल बना के दिखाता हूँ, न्यू रूल लगाते हैं, अगर इस पूरे कॉलम के अंदर जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें रूल लगाते हैं हम, सेकंड नंबर पर देखिए फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसको क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये है अगर किसी सेल के अंदर, पहले हम इसको करते हैं, देखिए सेल वैल्यू है, इसको हम स्पेसिफिक टेस्ट कर देते हैं। अब क्या दे रहा है, स्पेसिफिक टेस्ट, आगे कंटेनिंग, नॉन कंटेनिंग, बिगिनिंग विद और एंडिंग अप। अगर हम कंटेनिंग पर क्लिक कर देते हैं, कंटेनिंग का मतलब है कि अगर एक सेल या हमने कॉलम सेलेक्ट किया पूरा, अगर एक पूरे कॉलम में कहीं भी वो वर्ड हुआ जो हम इसमें टाइप करने वाले हैं, तो उसकी हमारे मन मुताबिक फॉर्मेट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान डाल देता हूँ, अगर उस पूरे कॉलम में कहीं भी पाकिस्तान है तो क्या होना चाहिए, फॉर्मेट,
तो कलर कैसा होना चाहिए उसका? उसका कलर ब्लैक हो जाना चाहिए या नेवी ब्लू, जो भी कलर है। और उसका फॉन्ट हो जाना चाहिए वाइट और बोल्ड। यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। ओके सर, अब देखिए कलर चेंज हो गया, वाइट फॉन्ट है, पीछे डार्क ब्लू बैकग्राउंड है। ओके करते हैं। ये देखिए नया रूल ऐड हो गया इसमें, इसके साथ साथ एक रूल और आ गया। अब इस रूल का क्या काम है देखिए, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ओके कर देते हैं। अब देखिए जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ था वहाँ ऑटोमेटिकली कलर ब्लू कलर बैकग्राउंड में चला गया और वाइट फॉन्ट में आ गया। अगर हम इस पाकिस्तान पाकिस्तान को उठाकर अगर हम टाइप करते हैं अमेरिका की जगह पे, पाकिस्तान डाल देते हैं, तो देखिए इसका भी कलर ब्लू हो गया, जबकि यहाँ रेड था ब्लू हो गया। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से चलता है। यह अगर हम चाइना, इस पाकिस्तान की जगह अगर हम चाइना डाल देते हैं, तो देखिए येलो हो गया है ना, कितनी मज़ेदार चीज़। इस पूरी पूरे कॉलम के अंदर हम कहीं भी अगर हम कुछ भी डाल देते हैं जो हमने रूल बनाए हुए हैं उसके हिसाब से, तो ये देखिए ये देखिए अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर हमसे कोई कहेगा चाइना के कितने पैसेंजर हैं, तो हम तुरंत गिन लेंगे, 1 2 3, तीन पैसेंजर चाइना के हैं। अमेरिका के कितने हैं? 1 2, दो अमेरिका के हैं। इंडिया के कितने हैं? 2। पाकिस्तान के कितने हैं? 1। कितनी आसानी से हमने गिन लिया। और यही चीज़ अगर हम पहले गिन रहे थे तो बहुत देर लग रही थी उसे ढूंढने में। इसमें हम जितने चाहे उतने हैं रूल लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल लगाइए, या कुछ एडिट भी कर सकते हैं इसमें। दूसरे रूल में अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, उसको एडिट कीजिए, और उस फॉर्मेट में जो भी एडिट करना है वो सब हम एडिट कर सकते हैं। और अगर कोई रूल हमें डिलीट करना है तो उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करना है और उसको डिलीट कर देना है, डिलीट रूल। इस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अप्लाई कर दीजिए, डिलीट हो गया। अब पाकिस्तान कहीं लिखेंगे आप तो वहाँ ब्लैक नहीं आएगा, क्योंकि हमने रूल डिलीट कर दिया है। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक छोटा सा हिस्सा, जो कि मैंने आपको बताया किसी सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमने डाल रखी है, तो उसके बदले में उस जगह पर क्या बैकग्राउंड क्या फॉर्मेटिंग आएगी वो ये है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।